सम्यक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल का पराठा। दाल का पराठा आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा और इस पराठे को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दाल का पराठा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। मैंने यहाँ मूंग दाल लिया है, छिलके वाला, आप बिना छिलके वाला भी ले सकते हैं, चना दाल, अरहर दाल यानी तुअर दाल और मसूर दाल। आपके पास और भी दाल है तो वो ले सकते हैं। और सारे दाल को बराबर बराबर मात्रा में लेना है और हमें पानी में भिगो के रखना है 4 से 5 घंटे के लिए। चार से पाँच घंटे के लिए मैंने भिगोने के लिए रख दिया था पानी में। मेरा दाल कंप्लीट हो गया भीग के। अब मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है और यहाँ मैं जो जो मसाले डाल रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। मैंने गरम मसाला लिया था, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन। अजवाइन डालना मस्ट होता है ताकि हमारा टेस्ट अच्छा आए पराठे में। हींग ऑयल पराठा में लगाने के लिए और हरा धनिया। दाल मेरा भीग गया है, अब इसको मुझे मिक्सी में दरदरा पीसना है। मैंने जितना आटा लिया है उसका आधा मेरा दाल है। जैसे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है तो 1 कप मेरा दाल होगा। मैंने इस दरदरा पीस लिया है, इसको ऐसे ही आपको पीसना है। अब मैंने यहाँ गेहूं का 2 कप आटा लिया है, फिर से मैं बता रही हूँ, और मैंने 1 कप दाल लिया। सारे दाल मैंने मिक्स किए थे तो 1 कप हुआ था। और स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 1/2 टेबल स्पून हींग। हींग पराठे में अच्छा लगता है, इसे हमें ज़्यादा डालना है। और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन और हरा धनिया, आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी डालना है। मुझे यहाँ ज़रूरत है पानी के, तो मैं पानी ऐड करूँगी। हमें आटा जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है। देखिए आटा हमारा गूंथ के तैयार हो गया है। अब 10 से 15 मिनट पहले हमें गूंथ के रखना है, फिर उसे वापस से हमें मसलना है आटे को। अब आटे का लोई बनाएंगे। आपको बड़ा छोटा जो आप शेप में बनाना चाहते हैं, बड़ा या छोटा जैसा भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल पराठा बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। आपके पास जो है घी लगा सकते हैं, अगर घी में पराठा खाना चाहते हैं। उसको फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे। दूसरी तरफ मैंने तवा गरम होने के लिए लो फ्लेम पे रख दिया है, इसलिए लो रखा था कि हमारा पराठा चिपके नहीं। अब मैंने पराठा डाला है, फिर हल्का सा सीकने के बाद इसको पलट देंगे। फिर दूसरी तरफ मैं वापस से पराठा बना रही हूँ। जब तक हमारा पराठा सीक रहा है, अब दोनों तरफ सीख गया है तो हमें ऑयल लगाना है। आप इसकी जगह बटर या घी लगा सकते हैं, मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। अब दूसरी तरफ भी ऑयल लगाएंगे।
अब इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। ये पराठा फूलता नहीं है इसलिए कि इसमें दरदरा दाल होता है। सेकंड पराठा भी हमें ऐसे ही बेलना है जैसे हमने फर्स्ट बेला था। पहले ऑयल लगाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, फिर बेलेंगे। देखिए मेरा पराठा कितना क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। एक पराठा मेरा बनके तैयार हो गया है। अब दूसरा पराठा तवा पे डालेंगे, वैसे ही सेकेंगे जैसे मैंने फर्स्ट पराठा सेका था। देखिए मेरा दोनों पराठा बनके रेडी हो गया है। सारे पराठे एक एक करके हमें ऐसे ही बनाना है। आप इस पराठे को हरा धनिया की चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। मैं यहाँ टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप लोग भी इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी बी हेल्दी। बाय बाय।